हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम नेम रिएक्शन के क्रम में जो रिएक्शन कराने वाली है वो पहली जो दोनों रिएक्शन हमने कराई है उन पर डिपेंड करती है, यानी कि उन्हीं का क्या है, उन्हीं के दोनों की प्रॉपर्टी इसमें यूज होंगी। तो आज जो रिएक्शन हम कराने वाले हैं वो है आपकी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, जैसे ही आपको नाम से पता लग रहा होगा कि फर्स्ट वीडियो में हमने वुड्स रिएक्शन कराई थी, सेकंड वीडियो में हमने क्या कराई थी, फिटिंग रिएक्शन कराई थी। आज थर्ड वीडियो है तो थर्ड वीडियो में क्या करा रहे हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन करा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वुड्स एंड फिटिंग, यानी कि जो दो साइंटिस्ट थे, पहले वुड्स और दूसरे फिटिंग, उन्होंने ये रिएक्शन कहीं ना कहीं दी होगी, यानी कि उन दोनों का इसमें कोई ना कोई कॉम्बिनेशन रूप रहा होगा, यानी कि कंबाइंड फॉर्म रही होगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो रिएक्शन है कौन सी है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, WURTZ, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए बच्चे, वुड्स फिटिंग क्या रिएक्शन क्या होती है, पहले हम किसकी बात करते हैं, वुड्स की। वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वुड्स रिएक्शन में आपका रिएक्शन कौन करता था, अल्काइल हैलाइड करता था, यानी कि RX करता था। ठीक है, इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको हमारी पहली दोनों की दोनों रिएक्शन समझनी पड़ेगी। और इसमें कौन रिएक्शन करता था, ARX करता था। मतलब वुड्स रिएक्शन की खासियत यह थी कि वहां पर जो रिएक्शन करता था वो कौन करता था, आपका अल्काइल हैलाइड। और अगर हम फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पर जो रिएक्शन करता था वो करता था आपका एराइल हैलाइड। अब जब हम पढ़ रहे हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तो इसका मतलब यहां पर दोनों की कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगी होगी, यानी कि यहां पर अल्काइल हैलाइड ने भी रिएक्शन की होगी। मतलब जो आपका एराइल हैलाइड था, एराइल हैलाइड की रिएक्शन 2NA से की गई होगी, रिएक्शन तो वैसे ही है बस, लेकिन एक मॉलिक्यूल यहां किसका लिया गया है, XR का। अगर देखो यहां बात करते हैं तो ये जो कंपाउंड था ये किसमें लिया जा रहा था, ये लिया जा रहा था आपका फिटिंग रिएक्शन में, और ये वाला लिया जा रहा था वुड्स रिएक्शन में। इसका नाम इसीलिए तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है क्योंकि यहां किसका सब्सटेंस ले लिया है हमने, जो वुड्स रिएक्शन में होता था और जो फिटिंग रिएक्शन में होता था, दोनों के सब्सटेंस को ले लिया है। आगे रिएक्शन वैसी की वैसी होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है ये, है ना। यानी कि इसमें क्या होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन में, 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन एंड सोडियम हैलाइड। ओके, ये रिएक्शन होगी यहां पे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो वैसे ही जैसे पहले रिएक्शन में होता था, यहां से ये दोनों चीजें निकल जाएंगी। क्या क्या निकला यहां से, एक तो आपका क्या निकल गया है यहां से, दोनों में से एक्स निकल गया। आगे जो बनने वाला कंपाउंड है वो कौन सा बन गया, 2NaX। लेकिन यहां क्या बना, AR सिंगल बॉन्ड R, इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अल्काइल बेंजीन। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है अल्काइल बेंजीन। वो तो वही बंदा है सोडियम हैलाइड जो आपने पढ़ा था, है ना। यानी कि इस रिएक्शन में अगर वुड्स की बात करें तो वुड्स ने जो यूज किया था वो किसका किया था, इसका किया था, किसका किया था, अगर वुड्स की बात करें तो वुड्स ने यूज किया था अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। और अगर फिटिंग की बात करें तो फिटिंग ने किसका यूज किया था, एराइल हैलाइड का। तो दोनों के यहाँ कंपाउंड देखने के लिए आपको मिल रहे हैं और दोनों की रिएक्शन करा दी गई है। अगर एग्जांपल ले लें इसका, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे ये बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, सपोज दैट यहां पर BR लगा हुआ है और इसकी रिएक्शन हम 2NA से करा दें। और फिर एक और कंपाउंड कौन सा ले लिया, BRCH3, बोला ना अल्काइल हैलाइड लेंगे। तो देखिए यहां से ये पूरे का पूरा कंपाउंड निकल जाएगा और बेंजीन की जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होने के बाद बेंजीन के ऊपर यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ जाएगा आपका CH3। ठीक है, क्या आ गया, यहां पर CH3 आ गया है और यहां से जो निकलेगा कंपाउंड वो वही निकलेगा जो पहले निकलता था 2NaX। X की जगह पर क्या आ गया है इस बार, Br, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड निकल गया है। ये जो अल्काइल बेंजीन है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या बोला जाता है इसको, मिथाइल बेंजीन। इसी का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं टोलुइन, TOLUENE, इसे क्या बोला जाता है, और टोलुइन भी बोला जाता है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि ARX क्या होता है।
ए आर एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ए आर एक्स क्या होता है, ए आर का मतलब होता है यहां फिनाइल, फिनाइल और फिनाइल का फॉर्मूला होता है C6H5, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करते हैं, आर एक्स की बात करते हैं, तो इसमें आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, क्या होता है यहां पर अल्काइल, अल्काइल ग्रुप जिसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1, यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका फॉर्मूला CnH2n+1 हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल CH3, C2H5, C3H7, यानी कि जिनका फॉर्मूला ये बन रहा हो, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। और एक्स एक्स आपको बता ही चुके हैं, एक्स आपका होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी कि हैलोजन होते हैं। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।